लीना और लवीना अपने चाची के घर पर रहती थी। उन दोनों के माता पिता सालों पहले देहांत हो गया था। दोनों बहनों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी चाची ने उन्हें अपने घर पर नौकरानी बनाकर रखा था। चाची की बेटी जेसिका बहुत ही ज्यादा बुरी थी। वो दोनों बहनों के साथ जानवर से भी ज्यादा बदतर बर्ताव करती थी। जेसिका जहाँ भी जाती दोनों बहनों को अपनी नौकरानी बनाकर ले जाती थी। फिर एक दिन जेसिका एक बड़ी पार्टी में जाती है। उसने जानबूझकर दोनों बहनों को फटे पुराने कपड़े पहना रखे थे। दूसरी तरफ जेसिका ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। पार्टी में जाने के बाद जेसिका एक कुर्सी पर बैठ जाती है। चलो तुम दोनों नीचे बैठकर मेरे पैर दबाओ, मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं। चलो तुम दोनों नीचे बैठकर मेरे पैर दबाओ, मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं। अभी अभी तो हम घर से यहाँ पर आए हैं, अचानक तुम्हारे पैरों में दर्द कैसे शुरू हो गया? सारा दिन हमने कड़ी मेहनत की है, चाची ने हमसे खेतों में बहुत काम करवाया, हमें बहुत भूख लगी है, दया करके हमें खाने को दे दो। अगर तुम दोनों ने किसी प्रकार की शिकायत की तो मैं यहीं पर अपनी सैंडल उतारकर सबके सामने तुम दोनों की पिटाई करूंगी। चलो चुपचाप मेरे पैर दबाओ। फिर दोनों बहनें जेसिका के पैर दबाने लगते हैं। दूसरी तरफ तभी वहाँ जेसिका की सहेली आ जाती हैं। अरे वाह जेसिका, तू तो दो दो नौकरानियाँ लेकर घूमती है, सच में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ मैं अच्छी किस्मत के साथ पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझे ये दोनों नौकरानी मिली हैं। फिर जेसिका पैर मारकर दोनों बहनों को गिरा देती है। बस बहुत हो गया, जाओ तुम दोनों मेरे लिए खाना लेकर आओ। उसके बाद दोनों बहनें खाना लेकर आ जाती हैं। वो दोनों जेसिका के सामने झुककर खड़ी हो जाती हैं। जेसिका की महारानी की तरह प्लेट से खाना उठाकर खाने लगती है। तभी जेसिका को एक शरारत सूझती है। वो चिकन का एक टुकड़ा उठाकर उसे दूर फेंक देती है। तुम दोनों बिल्ली की तरह घुटने पर चलते हुए उस चिकन के टुकड़े को पकड़ कर लाओ। दोनों बहनों में से जो भी चिकन का टुकड़ा लाएगा मैं यहाँ पर पेट भर उसे खाना खाने को दूंगी। उसके बाद दोनों बहनें घुटने पर बैठकर तेजी से चिकन के टुकड़े की ओर जाने लगती हैं। तभी लीना चिकन के टुकड़े को पकड़ लेती है। अरे वाह लीना जीत गई। क्या तू सच में लीना को पेट भर खाने को देगी? मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है, बस तुम सब देखती जाओ। उसके बाद जेसिका लीना को ढेर सारा खाना खाने की इजाजत दे देती है। लीना प्लेट में ढेर सारा खाना रख लेती है। सुन लवीना, तेरी बहन जैसे ही एक निवाला खाएगी तभी तू उसे थप्पड़ मारना, चलो तुम दोनों खेल शुरू करो। उसके बाद लीना एक निवाला उठाकर खाती है। फिर अगले ही पल जेसिका के डर से लवीना उसे थप्पड़ मार देती है। लीना के मुंह से सारा खाना बाहर निकल आता है। अरे लीना चल फिर से खाना खा। लीना फिर से खाना खाती है और लवीना उसे थप्पड़ मार देती है। इस तरह जेसिका के साथ वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ दोनों बहनों पर जोर जोर से हंसते हुए उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। अपनी इस बुरी हालत पर दोनों बहनों को बहुत दुख होता है, लेकिन वो दोनों चाहकर भी जेसिका का विरोध नहीं कर पाती। इस तरह जेसिका हमेशा दोनों बहनों के साथ बुरा बर्ताव किया करती थी। फिर एक दिन जेसिका नदी के किनारे नहाने जाती है। तुम दोनों यही किनारे बैठकर मेरे कपड़े और सामान की हिफाजत करो, मैं नदी में नहाने जा रही हूँ। उसके बाद जेसिका नदी में छलांग लगाकर नहाने लगती है, लेकिन तभी एक कौवा जेसिका का हार अपने पंजे में दबाकर वहाँ से उड़ जाता है। अरे वो कौवा तो मेरा हार लेकर चला गया, जल्दी उसे पकड़ कर लाओ। दोनों बहनें कौवे का पीछा करते हुए दूर घने जंगल में पहुँच जाती हैं। अरे बाप रे, हम दोनों जंगल में आ गई, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हमें किसी भी तरह कौवे को ढूंढना होगा, वरना जेसिका मार मार के हम दोनों की हड्डी पसली तोड़ देगी। उसके बाद दोनों बहनें जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती हैं। तभी अचानक उन दोनों को एक पेड़ के ऊपर ढेर सारे चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं।
अरे ये क्या, इस पेड़ के ऊपर तो तारे चमक रहे हैं, ये तो बहुत ही अनोखा पेड़ है। फिर लीना आगे बढ़कर तारे को हाथ लगाती है और अगले ही पल वो तारा एक स्वादिष्ट फल के रूप में बदल जाता है। ये देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो दोनों जल्दी जल्दी फल को खा लेती हैं। फिर थोड़े आगे जाने के बाद अचानक जमीन हिलने लगती है और दोनों बहनों का शरीर जमीन के नीचे समा जाता है। उसके बाद दोनों बहनें अपने आप को एक गुफा के अंदर पाती हैं। वहाँ चारों तरफ डरावनी आवाज गूंज रही थी। ये तो बहुत अजीब जंगल है, हम दोनों इस गुफा के अंदर कैद हो गई, अब हमारा क्या होगा। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और जंगलीना नाम की एक राजकुमारी उन दोनों के सामने प्रकट होती है। उस राजकुमारी की सुंदरता देख दोनों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम दोनों कौन हो और मेरे जंगल में क्या करने आई हो। दोनों बहनें राजकुमारी को सारी बात बता देती हैं। दोनों बहनों की बुरी हालत देखकर राजकुमारी को उन दोनों पर बहुत तरस आता है और वो उनकी मदद करने का फैसला करती हैं। फिर राजकुमारी दोनों बहनों को एक जादुई पौधा दे देती हैं। तुम दोनों इस पौधे को लेकर जाओ, आज के बाद कोई तुम पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। उसके बाद दोनों बहनें पौधा लेकर चली जाती हैं। मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी, लाओ मेरा हार दो मुझे। हमें हार नहीं मिला। ये सुनते ही जसिका डंडा उठाकर उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक पौधे के अंदर से ढेर सारी चड़ी बाहर निकलकर जसिका की पिटाई करने लगती हैं। अरे मर गई रे माँ, बचाओ मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ जसिका की माँ आ जाती है। फिर वो सारी चड़ियाँ जसिका की माँ की भी पिटाई करने लगती हैं। है ये सब क्या हो रहा है, मेरा सर फूट गया, अरे कोई बचाओ मेरी मदद करो। तुम दोनों ने इन बेचारी बहनों को बहुत सताया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, चलो भागो यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। उसके बाद पौधे के अंदर से ढेर सारे आग बाहर निकलने लगती हैं। ये देख दोनों माँ बेटी घबरा कर वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद हमें उन दोनों के अत्याचार से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पौधे। फिर जादुई पौधे के ऊपर ढेर सारे सोने के पत्ते प्रकट हो जाते हैं। इन सोने के पत्तों को बेचकर तुम दोनों को ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जाओ इन्हें बेच दो। फिर सोने के पत्ते बेचने के बाद दोनों बहनें बहुत अमीर बन जाती हैं। उसके बाद में दोनों अपनी सुख सुविधा की सारी चीजें खरीद लेती हैं और हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। एक दिन बार्बी नाम की एक सुंदर परी पृथ्वी की सैर कर रही थी, तभी वो एक गांव के पास पहुंचती है। अरे वाह, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है यहाँ कोई खाना बना रहा है। उसके बाद परी एक घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचती है। वहाँ पर तीन लड़कियाँ खाने बनाने में व्यस्त थी। वो तीनों दिखने में बहुत ज्यादा बस्तूरत और काली थी। तभी अचानक वहाँ पर एक मोटी औरत आ जाती है जिसका नाम मालती था। अरे इतनी देर हो गई और अभी तक तुम तीनों ने खाना नहीं बनाया, मैंने खाने का ऑर्डर लिया है, पड़ोस में जल्द से जल्द खाना पहुंचाना है, अगर वक्त पर खाना नहीं बना तो मैं तुम तीनों की टांगे तोड़ दूंगी। मम्मी जी आप हमसे इतना काम क्यों करवाती हो, हम तीनों से इतनी मेहनत नहीं होती, हम पर थोड़ा तो रहम कीजिए। लेकिन मालती छड़ी उठाकर तीनों की पिटाई करने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर मालती के तीनों बेटे आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, तुम इन तीनों की पिटाई क्यों कर रही हो। बेटा आज हमने खाने का बहुत बड़ा ऑर्डर लिया है, लेकिन ये तीनों काम नहीं कर रही, अगर इन्होंने सही वक्त पर खाना नहीं बनाया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये तीनों एकदम आलसी और बेकार होती जा रही हैं। लाओ ये छड़ी हमें दो, इनकी अच्छी तरह खबर लेंगे। उसके बाद मालती के तीनों बेटे अपनी तीनों पत्नियों की पिटाई करने लगते हैं। तीनों बहनों को बुरी तरह मार खाते देख बार्बी परी को बहुत बुरा लगता है। अरे ये क्या, इन तीनों बहनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, मुझे इन तीनों बहनों की सहायता करनी होगी। उसके बाद बार्बी परी सामने आकर मालती को डांटने लगती है।
तुम कैसी सास हो, अपनी तीनों बहुओं से इतना काम करवाती हो और ऊपर से इनकी पिटाई भी करती हो, और तुम तीनों पति होकर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अपनी माँ के साथ साथ तुम तीनों भी इन मासूम पर अत्याचार करते हो। अरे माँ, अचानक ये परी कहाँ से आ गई? चलो इसे पकड़ लो, फिर हम इसे भी अपने यहाँ कैद कर लेंगे। उसके बाद मालती के तीनों बेटे बार्बी परी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बार्बी परी हवा में उड़कर वहां से भाग जाती है। फिर उसी रात बार्बी परी अपना रूप छोटा करके तीनों बहुओं के कमरे में दाखिल हो जाती है। कमरे में दाखिल होने के बाद बार्बी अपने साधारण रूप में आ जाती है। तुम तीनों पर हो रहे अत्याचार देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए मैं तुम तीनों की सहायता करने आई हूँ। हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चली जाओ वरना हमारी सासुर के तीनों बेटे तुम्हें हमारी तरह बंदी बना लेंगे। दरअसल हम तीनों कोई साधारण लड़कियाँ नहीं हैं, हम तीनों तुम्हारी तरह परी देश की परियाँ हैं। तीनों भाइयों ने हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा कर हमसे शादी कर ली और हमारे जादुई पंख काट कर हमें जादुई छड़ी भी जला दी, इसीलिए हम तीनों इतने ज्यादा बदसूरत दिखते हैं। लेकिन ये लोग तुम तीनों को बंदी बनाकर इस हालत में क्यों रखते हैं, आखिर इनका मकसद क्या है? दरअसल अगले महीने की 5 तारीख को ये लोग हम तीनों को आग में जला देंगे और हमारी राख से काले जादू की फितिया करेंगे। उसके बाद इन्हें 3 शक्तिशाली जादुई हीरे मिलेंगे। अच्छा तो ये बात है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा बेरहम है। देखो तुम तीनों फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह तुम तीनों को यहाँ से बाहर निकाल के ले जाऊंगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है तुम्हारी सास आई है, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ लेकिन जल्दी वापस आऊंगी। बार्बी परी अपना रूप छोटा करके खिड़की के रास्ते वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी मालती कमरे में दाखिल होती है। तुम तीनों किससे बातें कर रही थी, कमरे में कौन है? कोई नहीं मम्मी जी, हम तीनों अपनी बदकिस्मती पर अफसोस कर रही थी। ठीक है, अब तुम तीनों सो जाओ, सुबह उठकर तुम तीनों को बहुत सारे काम करने हैं। उसके बाद मालती दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। अगले दिन से तीनों बहनें बार्बी परी का इंतजार करने लगती हैं। इस तरह देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन बार्बी परी वापस नहीं आती। दूसरी तरफ मालती और उसके तीनों बेटे तीनों बहनों पर लगातार अत्याचार कर रहे थे। उस परी ने हमसे वादा किया था कि वो हमारी मदद करने जरूर आएगी, लेकिन आज इतने दिन हो गए वो अभी तक नहीं आई। कल 5 तारीख है, अगर वो नहीं आई तो ये लोग हमें जलाकर मार डालेंगे। तीनों बहनें बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। दूसरी तरफ बार्बी परी देश के जंगल में भटक रही थी। चलते चलते बार्बी परी जंगल के पूर्व हिस्से में पहुंच जाती है। तभी उसे अपने सामने एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। शायद ये वही जादुई पत्थर है जिसके बारे में मुझे मेरी माँ ने बताया था। फिर बार्बी परी अपने थैले से दूध की बोतल निकाल कर पत्थर के ऊपर डालने लगती है। थोड़ी ही देर में पत्थर के अंदर से एक चमक पैदा होती है और उस पर एक चेहरा प्रकट हो जाता है। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? बार्बी परी जादुई पत्थर को तीनों परी बहनों के बारे में सब बता देती है। तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बल्कि दूसरों की सहायता करने के लिए खतरनाक जंगल में आई हो, तुम बहुत ही अच्छी हो। उसके बाद जादुई पत्थर वहां से जादुई फूलों से बने 3 पर्स प्रकट कर देता है। तीनों जादुई पर्स को ले जाकर उन तीनों बहनों को दे दो। उसके बाद बार्बी परी जंगल से बाहर निकल कर जाती है। थोड़ी सी देर में सवेरा हो जाता है। अरे नहीं, सवेरा हो गया, आज तो 5 तारीख है, मुझे जल्द से जल्द तीनों बहनों के पास जाना होगा, वरना वो दुष्ट औरत अपने बेटों के साथ मिलकर तीनों को जलाकर मार डालेगी। फिर बार्बी परी अपनी जादुई कालीन को तेजी से हवा में उड़ाते हुए मालती के घर के सामने पहुंच जाती है। बार्बी देखती है कि तीनों बहनें घर के सामने रस्सी से बंधी हुई हैं, लेकिन मालती और उसके बेटे कहीं दिखाई नहीं देते। बार्बी फौरन तीनों बहनों के पास पहुंचकर उनकी रस्सियां काट देती हैं और उन्हें फूलों के जादुई पर्स पकड़ा देती है। फिर बार्बी परी के कहने पर तीनों बहनों को पर्स खोल देती हैं।
अगले ही पल पर्स के अंदर से सुंदर सुंदर पंख बाहर निकलकर तीनों बहनों के शरीर पर चिपक जाते हैं और वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा खूबसूरत परियां बन जाती हैं। लेकिन तभी अचानक मालती अपने बेटों के साथ वहां आ जाती हैं। अरे ये क्या, ये तीनों तो फिर से खूबसूरत परियां बन गई, आखिर ये कैसे हुआ? अगले ही पल तीनों पर्स के अंदर से तीन बड़े पंख बाहर निकल कर आते हैं। पंखों की तेजी हवा में मालती और उसके तीनों बेटे हवा में उड़ते हुए दूर आसमान में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो चारों एक कोने की नदी में गिर जाते हैं, जहां रहने वाले आदमखोर मछलियां उन चारों को मारकर खा जाती हैं। इस तरह उन चारों का खात्मा हो जाता है। दूसरी तरफ बार्बी परी तीनों परी बहनों को लेकर वापस परिदेश लौट जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। तीनों परिदेश में रहते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। किसी गांव में आरोही नाम की दो गरीब बहनें रहती थी। वो दोनों जंगल से रंग बिरंगे फूल तोड़कर इकट्ठा करती थी और उन फूलों से गुलदस्ते बनाकर बाजार में बेच देती थी। लेकिन फिर एक दिन जब दोनों बहनें जंगल में फूल तोड़ रही थी, तभी अचानक वहां पर एक मोटी औरत आती है। उस औरत ने पुलिस की ड्रेस पहन रखी थी। मेरा नाम मोनिका है, मैं इस जंगल की पुलिस हूँ। तुम दोनों यहाँ से फूल चोरी कर रही हो, अब तुम दोनों को कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन मैडम, हम तो पिछले 10 साल से फूल तोड़ रही हैं, आज तक हमें किसी ने नहीं रोका। अच्छा, तो तुम दोनों पिछले 10 साल से चोरी कर रही हो, अब तो तुम दोनों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि तुम दोनों सोच भी नहीं सकती। यहाँ का कानून बहुत ही सख्त है, तुम दोनों के हाथ काट दिए जाएंगे और साथ ही तुम दोनों के कान भी काट दिए जाएंगे, तुम्हें गंजी बना दिया जाएगा। ये सुनते ही दोनों बहनें घबरा जाती हैं और मोनिका के सामने विनती करने लगती हैं। नहीं नहीं मैडम, हम दोनों को इतनी कड़ी सजा मत दीजिए, दया करके इस बार हमें छोड़ दीजिए। देखो, तुम दोनों के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर दोनों अपने हाथ कटवाना नहीं चाहती और जेल में नहीं जाना चाहती तो तुम दोनों को 5 साल तक मेरी नौकरानी बनकर रहना होगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? सुनारोही, हाथ कटवाने के बाद हम दोनों जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा है कि हम दोनों 5 साल के लिए इसकी नौकरानी बनकर इसकी सेवा कर लें। हाँ तो ठीक कहती है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अब मैडम जी, हम दोनों आपकी नौकरानी बनने के लिए तैयार हैं। उसके बाद मोनिका दोनों बहनों को अपने घर ले जाती है। चलो तुम दोनों रसोई घर में जाकर मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाओ। फिर दोनों बहनें मोनिका के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार कर देती हैं। लेकिन मोनिका बहुत ज्यादा खाना खाती थी, वो थोड़ी ही देर में सारा खाना खाकर खत्म कर देती है। अरे